नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी नवजात शिशुओं को त्वचा से संबंधित होने वाली समस्याओं के बारे में। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, अभिभावक होने के नाते हमें अपने शिशु से जुड़ी हर बीमारी और परेशानी की जानकारी होना आवश्यक है। शिशु के जन्म के कुछ साल तक उसे इन्फेक्शन और किसी रोग के होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगर इनका पता समय रहते ही लगा लिया जाए तो शिशु को इसके घातक प्रभावों से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शिशुओं में होने वाली त्वचा संबंधित बीमारियों को। नंबर एक, मुहासे। शिशुओं को भी एक्ने की समस्या होती है। माँ के हार्मोन में बदलाव या शिशु के जन्म लेने के बाद अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण ऐसा हो सकता है। सलाइवा और सख्त कपड़ों के कारण भी शिशु को एक्ने की समस्या हो सकती है। डिटर्जेंट भी एक्ने का कारण बन सकता है। एक्ने हमेशा अपने आप ही ठीक होता है, लेकिन कभी कभी ये ठीक होने में ज्यादा समय ले लेता है। नंबर दो, चिकन पॉक्स। बच्चों और नवजात शिशुओं में चिकन पॉक्स देखा जाता है। इसमें सिर दर्द, बुखार, भूख में कमी, मितली और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण सामने आते हैं। इस वजह से शिशु की त्वचा में दरार आने लगती है। इसमें दर्द तो नहीं होता, लेकिन खुजली की शिकायत जरूर रहती है। आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए और उनके द्वारा बताई गई दवा से बुखार में कमी आती है। कैलामाइन लोशन से खुजली को कम किया जा सकता है। अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ दें और समय समय पर उसे खिलाते रहें। नंबर तीन, क्रेडल कैप। जन्म के बाद नवजात शिशुओं में ये आम समस्या होती है। डैंड्रफ होना इसका मुख्य लक्षण माना जाता है। शिशु के सिर की त्वचा के अलावा ये समस्या उसके चेहरे, नेपी एरिया, नाक, गर्दन और बगल में भी देखी जाती है। नंबर चार, एक्जिमा। त्वचा की सूखी और लाल जगह पर दरार आना या खुजली होना एक्जिमा का लक्षण है। कभी कभी इसमें से खून या पानी भी निकलता है। ये हाथों, कोहनी, गले, चेहरे और घुटनों के पीछे हो सकता है। आपके शिशु को शुरुआती स्तर में ही बचाव की जरूरत होती है। समय के साथ एक्जिमा से छुटकारा मिल जाता है। नंबर पाँच, खसरा। नाक बहना, बुखार, आंखों में सूजन, खांसी और शिशु के मुंह में सफेद निशान होना खसरे के कुछ लक्षण हैं। खसरा होने के कुछ दिन बाद बच्चे के चेहरे, गर्दन और कानों के आसपास लाल रंग के निशान आने लगते हैं। ये 5-6 दिन तक रहते हैं और इनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। अगर आपके बच्चे को खसरा हो गया है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये बीमारी वायरस की वजह से होती है और ये अपने आप ही दूर हो जाती है। बुखार के लिए अपने शिशु को पैरासिटामोल दे सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए अपने शिशु को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ दे। नंबर छह, मीलिया। नवजात शिशु के चेहरे पर सफेद रंग के निशान होना ही मीलिया का लक्षण है। इन सफेद दागों को ही मीलिया कहा जाता है। इसमें गालों, माथे, चिन, नाक और कानों के आसपास छोटे सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं। मीलिया को लेकर चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये 6 सप्ताह के भीतर अपने आप ठीक हो जाते हैं। नंबर सात, नेपी रैशेज। शिशु के यौन अंग के आसपास लाल रंग के चकते पड़ जाते हैं। ये सूखे और गीले दोनों तरह के हो सकते हैं। शिशु के जन्म लेने के शुरुआती पहले साल में नेपी रैश की समस्या बहुत आम होती है। अगर शिशु की त्वचा संवेदनशील है तो ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ डिटर्जेंट और कपड़ों की वजह से भी नेपी रैश होता है। समय समय पर बच्चे की नेपी बदलते रहें और बच्चे की साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी त्वचा संबंधी कुछ समस्याएं जो आपके नवजात शिशु को हो सकती है। अतः आपको उसकी साफ सफाई व खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।